हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप देख रहे हैं ओए पढ़ले। आज हम कई दिनों बाद ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है तब मिल रहे हैं, पर आज आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ है मेरे पास जिसके लिए जिसको देखकर आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, आप मोटिवेशन से भर जाओगे, ठीक है। और इस टाइम ना काफ़ी लोग डीमोटिवेटेड हैं कि भाई DSSB की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, और आएंगी तो कब आएंगी, ठीक है। तो एक जो रीइन्फोर्समेंट वो चाहिए होती है ना, तो वो रीइन्फोर्समेंट है आज मेरे पास, तो आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। आज मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ एक महीने की, और सैलरी स्लिप एक महीने की होती है, ठीक है। और भाई ये किसी को भी जलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक प्योरली मोटिवेशन के लिए है कि आप जो आज मेहनत कर रहे हो अगर सफल हो गई तो आपको दिस अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी। जो ये PRT है, PRT का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4200 का, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिक, देखो 35400, HRA 9558, ट्रांसपोर्ट 5112, और DA 14868, ठीक है जी। ये ग्रॉस पे इतनी बनती है 64938, ये होती है ग्रॉस पे, ठीक है। पर कुछ डिडक्शंस होती हैं लाइक NPS का, जो आपका मेडिकल कार्ड बनता है, CGHS का, है ना, CGHS का, तो उसकी डिडक्शन देख लो। CPS लाइक NPS का ही, NPS ही है ये 5027 की, और ये बाकी देख लो CGHS और CGEIS, ठीक है। टोटल डिडक्शन होती है 5497 रुपये की, और नेट पे देख सकते हैं आप 59441। तो ये सैलरी है जो आपके अकाउंट में आती है अगर आप DSSB PRT का पेपर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ये एक प्योरली मोटिवेशन के रूप में काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन करेगा भाई। ये सैलरी देखो 60,000 आपको मिलेगी एक महीने में, है ना, और आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होगी उस टाइम पे। अगर आपके जो आप मेहनत कर रहे हो सफल हो जाएगी, तो आप सोच के देखो यार, एक मेरे अकॉर्डिंग एक बंदा के जिसके पास अभी स्टार्टिंग में 60,000 आ रहे हैं, तो वो इस टाइम पे कुछ भी कर, कुछ भी तो मतलब क्या, एक जो बेसिक नीड्स हैं, एक अच्छी तरीके से लिविंग है, वो एटलीस्ट कर सकता है, है ना। तो ये है जी, अगर आप DSSB PRT का पेपर क्लियर कर लेते हैं अच्छे से पढ़ के लिख के, तो दिस इज़ व्हाट यू विल गेट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, दैट इज़ 60,000 रुपीज़, है ना। और भाई सारे जम के पढ़ो, DSSB की वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत ही पास है, और बाद में टाइम नहीं रह जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वैकेंसीज आएंगी बाद में स्टार्ट करेंगे, नहीं रहेगा टाइम उतना, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो। जो भी दिक्कत है मुझको टेलीग्राम मैसेज कर दिया करो, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, कोई मैथ का चैप्टर, कोई पेडागोजी का सेक्शन कहाँ से पढ़ें, वो मैसेज कर दिया करो, ठीक है। वीडियोज़ नहीं आ रही हैं क्योंकि भाई आज इस महीने कहीं बहुत ज़्यादा बिजी था, ठीक है, बट अब से लाइक स्टार्ट हो जाएंगी। आप कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो मैथ की हो, चाहे NIS की हो, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक ना क्लिप डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक क्लिप डालूंगा यहाँ पे इसी के जस्ट नेक्स्ट बाद, वो एक सेटअप सा किया है, वो बताना कैसा लगा, ठीक है। अगर आपने बोला अच्छा लगा तो फिर उसी पे स्टार्ट कर देंगे वीडियो बनानी, ठीक है दोस्तों। और ये थी आज सैलरी की बात, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हैं ओए पढ़ले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम नंबर के बारे में।